नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भक्ति टॉप 10 में। मैं हूँ योगिता सिंह। आइए करते हैं शुरुआत धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। कल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। 14 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्या साध्वी आस्था भारती जी भागवत के रहस्यों से लोगों को कराएंगी अवगत। हैदराबाद तेलंगाना में कल से आयोजित हुई श्रीमद् भागवत कथा। 15 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्या साध्वी पद्महस्ता भारती जी अपने भावपूर्ण वाणी में श्रोताओं में जलाएंगी भक्ति की अलग। सवाई माधोपुर राजस्थान में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समापन। इस कथा में परम पूज्य गौ भागवत शरण श्री रविनंदन शास्त्री महाराज ने अपने प्रवचनों की अविरल धारा से श्रोताओं के ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का किया प्रयास। गाजियाबाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज पूर्णाहुति के साथ हुई संपन्न। 2 दिसंबर से चल रही इस कथा में परम श्रद्धेय गौरदास जी महाराज ने अपनी अनोखी शैली में लोगों के सामने ईश्वर के माधुर्य का किया बखान। 15 दिसंबर से मुंबई में आयोजित होगी श्रीमद् भागवत कथा। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी अपने प्रवचनों की अविरल धारा से लोगों को दिखाएंगे भक्ति और मुक्ति का मार्ग। 15 दिसंबर से मध्य प्रदेश के गुना में होगी श्रीमद् भागवत कथा। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी अपनी दिव्य वाणी से लोगों को दिखाएंगे धर्म और मोक्ष का मार्ग। 17 दिसंबर से परम श्रद्धेय बाल व्यास नितिन देव जी महाराज अकोला महाराष्ट्र में सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में अपनी दिव्य वाणी में लोगों को दिखाएंगे धर्म और मोक्ष का मार्ग। मुंबई में 17 दिसंबर से होगी भागवत कथा। 24 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी महाराज अपनी दिव्य वाणी में श्रोताओं में जगाएंगे भक्ति की अलग। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से छुटकारा पाने के सरल और आसान उपाय जानिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर आप अपने सुझाव और अपने आसपास होने वाली धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर भेज सकते हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे लेकर धर्म और आध्यात्म जगत की 10 बड़ी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।